हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर एक बार पाकिस्तान कोई सजेशन देता है भारत को, तो वो चीज़ फिर भी एक्सेप्टेबल होता है और इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन अगर यूएस किसी देश को ह्यूमन राइट्स या पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बातें करता है, तो ये चीज़ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मजाक होता है। यूएस एक वैसा देश है जिसका इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों को बेचने के बाद आता है। यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप हथियार बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पूरे दुनिया का शांति है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बार शांति डिस्टर्ब करने के बाद फिर यूएस ये कहता है कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ऐसे अनगिनत हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको देख के आपको लगेगा कि यूएस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हिपोक्रेट देश का। जहां तक बात किया जाए भारत का, तो मैं किसी भी तरीके से या किसी भी फॉर्म का हेट स्पीच या किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिज्म को मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूं, चाहे करने वाला कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो। लेकिन एक चीज मैं बहुत ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत में जितने लोग शांति के साथ रहते हैं और जितने अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोग भारत में रहते हैं, इतना दुनिया के किसी भी और देश में नहीं रहते होंगे। और उसके बाद मोर और लेस सभी भारतीयों के अंदर एक दूसरे को लेकर जो प्रेम है, वो प्रेम भी आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। इससे भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि कितनी बार रिलीजियस क्लैशेस होते हैं या कितनी बार कास्ट को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा होता है, एक पॉलिटिकल मोटिव होता है। लेकिन इसी बीच मैं पर्सनली कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि यूएस भारत के इंटरनल मैटर में घुसे और हमें नसीहत दे। अगर आप बात करें यूएस का, तो कम से कम आपको एक महीने में दो या तीन ऐसे आपको इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जहां पे कोई एक आदमी सरे बाजार आके अंधाधुंध फायरिंग करता है और उस फायरिंग में बेकसूर लोगों की जान जाती है। या तो अगर आप सिर्फ इन बीते दो महीने का एग्जाम्पल लेंगे, तो कम से कम 15 भारतीय स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए यूएस गए थे, उनकी जान चली जाती है। तो अगर ये सारी बात अगर कोई वैसा देश कहे जो सच में ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है या उसके एजेंडा को प्रमोट करता है, तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिस तरीके से यूएस पूरे दुनिया का ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी को डिस्टर्ब कर दिया है, अगर ये कुछ कहता है तो वो कंप्लीट तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। यूएस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको कि 26 तारीख को रिलीज किया जाता है, जिसमें भारत में हो रहे कुछ सिलेक्टिव घटनाओं का जिक्र किया जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि भारत में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे रिलीजियस क्लैशेस होते हैं, तो लेकिन अगर आप उस चीज का गहराई को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके पीछे का भी एक पॉलिटिकल एजेंडा या एक पॉलिटिकल मोटिव समझ में आएगा। और उसके बाद क्या है कि हर देश का एक अपना अलग कल्चर है। जब तक कि आप किसी देश में ना जाएं और जब तक कि कहीं पे अगर इंसिडेंट हुआ, अगर आप ग्राउंड जीरो को विजिट नहीं करते हैं, उसके आसपास के सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को अगर आप नहीं समझते हैं और महज अगर आप कागजों में पढ़ते हैं, तो कभी भी जो घटना हुआ है उसको आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जैसा कि सभी इंडिपेंडेंट देश अपने हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, वैसे ही भारत भी करता है, वैसे ही यूएस भी करता है, वैसे ही ऑलमोस्ट सभी देश करना चाहते हैं। क्योंकि भारत और रशिया के बीच में जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं, और रशिया का जो स्टेटमेंट आता है भारत के लिए, वो ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड स्टेटमेंट आता है, जहां पे रशिया हार्डली कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज करता है जो हमारे खिलाफ जाता हो, और वैसे ही भारत भी कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज नहीं करता या करने से बचता है जो डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट जाए। क्योंकि बीते कुछ समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी को और भी डेवलप किए हैं या इनफैक्ट और भी एक्सटेंड किए हैं, उसके कारण क्या है कि भारत और सब देशों के साथ अपने फॉरेन रिलेशन को एस्टैब्लिश करना चाहता है। क्योंकि अभी ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि अगले महीने पीएम मोदी रशिया जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस इस चीज को लेकर काफी कंसर्न्ड है। अब यूएस ये चाहता है कि भारत वही करे जो यूएस चाहता है, तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएस अपने हिसाब से ताइवान को सपोर्ट करता है, यूएस अपने हिसाब से साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है, इनफैक्ट अगर हम बात कर ले यूक्रेन का, तो यूक्रेन को वॉर में ढकेलने वाला एक देश जो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है वो है यूएस। तो कहने का मतलब है कि यूएस को अपनी गलतियां दिखाई नहीं पड़ती है और यूएस ये चाहता है कि भारत वही करे जो उसके हिसाब से अच्छा हो। वहीं पे अगर हम बात करें गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, तो इसके मल्टीपल ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जहां पे ये ओपनली भारत को थ्रेट करता है और कहता है कि ये भारत को या भारत से पंजाब प्रोविंस को अलग कर देगा। इसके अलावा भी ये कितनी बार और भी धमकी दे रखा है कि अलग अलग जो पैसेंजर प्लेन होते हैं उसके ऊपर ये अटैक करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के जो इंटेग्रिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए थे जिसके तहत गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का प्लान था, लेकिन किसी कारण से उस प्लान को अंजाम
नहीं दिया जा सका। उसके बाद क्या हुआ कि भारत और यूएस के रिलेशन थोड़े से खराब हो गए थे, जिसमें कि यूएस का ये कहना था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास करके हमारे रॉ एजेंट्स का हाथ था। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा आदमी जो हमारे लिए थ्रेट है और अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वो यूएस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन ये वही यूएस है जो कभी इराक में इन्वेड करता है, कभी पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारता है। तो हमारे सामने एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी जो यूएसए को चैलेंज करता है तो यूएस अगर उसको एलिमिनेट करता है तो वो जायज है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई और देश अपने दुश्मन को एलिमिनेट करना चाहता है टारगेटेड तरीके से तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और वहीं पे बात किया जाए कि जिस तरीके से गजा में इसराइल के द्वारा अटैक कर रहा, एक तरफ तो यूएस बढ़ चढ़कर इसराइल को वेपन दे रहा, वहीं दूसरी तरफ दिखाने के लिए कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज दे रहा गजा में। और अगर अब तक इसराइल गजा में अटैक कर पा रहा तो इसके पीछे का जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वो यूएसए ही है। और इस पूरे गजा इन्वेजन में कम से कम तो 40,000 लोग मारे गए हैं, पूरा का पूरा इनका जो जनरेशन है वो खत्म हो गया है, और उसके बाद लगभग 20 लाख से अधिक लोग अपने घर से डिस्प्लेस हुए हैं और मेंटल ट्रॉमा हुआ है सो अलग। तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसको देखने के बाद हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि यूएस तो कम से कम वैसा देश नहीं है जो अगर हमें सजेशन दे ह्यूमन राइट्स के ऊपर या हमारे देश को लेकर अगर वो कोई कंसर्न रेज करे और हम उसको एक्सेप्ट कर लें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।